दो दिन कैपेडोकिया में बिताकर आज हम लोग सुबह फिर करीब 12 बजे इस्तांबुल लौटे और हमसे छूट गया था तोपकापी पैलेस देखना, तो हम आज तोपकापी पैलेस देखने आए हैं। और ये 15वीं-16वीं शताब्दी में जो ऑटोमन अम्पायर था उनके लोगों ने, जब कॉन्स्टेंटिनापल जो कैपिटल होती थी बाइजेंटाइन एम्पायर की, उसको जब उन्होंने जीता था ऑटोमन्स ने, तो उस जीत के प्रतीक की तरह ये बनाया गया था। हम इस गेट से आए और अगर हम दूसरे तरफ देखें तो पीछे एक बड़ा सा गेट है जहाँ पर सारे सेरेमनी होती थी, ऐसी सेरेमनी जिसमें जैसे एक जो सुल्तान है, सुल्तान महमद, हम उसे महमूद कह सकते हैं जैसे अपने यहाँ बोला जाता है, यहाँ सुल्तान महमद, तो उसका जब यहाँ पे राज्याभिषेक जिसे हम कहेंगे वो हुआ था, तो ऐसे सारे सेरेमनीज उस जगह पर होते थे। अब जो मेरे पीछे का हिस्सा है, ये यहाँ पूरा उनका किचन और स्टोर रूम होता था, और सामने का जो हिस्सा है यहाँ हम देखेंगे, ये जो थी ये इनकी रजिस्ट्री थी, और उसके अलावा यहाँ मंत्री आके जब डिस्कशंस होते थे, यानी कि एक तरह का इनका कॉन्फ्रेंस हॉल भी था। और यहाँ पे जो हम कलाकृतियाँ देखेंगे, जो कलाकृतियाँ बल्कि मैं कहूँगी जो घर बनाने का जो तरीका है वो इनका यूनिक एक तरीका है, जो ऊपर देख सकते हैं हम, तो इस तरह का इनका जो पेंटिंग्स, कुछ एक्सक्लूसिव टाइलिंग, और कुछ हमने जो खिड़कियाँ देखी हैं हमारे भी देश में परिणीता पिक्चर में जो हमने, या मेरे ख्याल से एक और मूवी में हमने देखी थी, वो जो खिड़की है कलर्ड वाली, वो भी इनका सिग्नेचर स्टाइल रहा है। उस गेट के अंदर जाकर एक पूरा कोर्टयार्ड है जहाँ पर एक बड़ी सी लाइब्रेरी हमने देखी, उस समय की लाइब्रेरी और बहुत खूबसूरत, और एक स्कूल देखा जिसमें जो भी इवन क्रिश्चियन बच्चे या कोई भी बच्चे होते थे तो उनको टर्किश या ऑटोमन एम्पायर की जो शिक्षा थी वो दी जाती थी, और उसके लिए उनका रॉयल फैमिली से होना ज़रूरी नहीं था। तो हमने आज ये पूरा घूम कर देखा है तोपकापी पैलेस। तोपकापी का अर्थ होता है कैनन गेट, और ये नाम उसको 18वीं शताब्दी में मिला, तब जबकि ऑटोमन अम्पायर के जो लोग थे बॉस्फोरस की तरफ, दूसरा उन्होंने अपना घर बना लिया था, महल बना लिया था, तब वो वहाँ चले गए थे। इसके कोर्टयार्ड के दोनों तरफ से बहुत अच्छा सी व्यू दिखता है, पर कुल मिलाकर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यहाँ आना कितना फ़ायदेमंद है, तो सच तो यह है कि यहाँ की जो टिकट है वो हम तीन लोगों के लिए 4,500 रुपये के बराबर है, और उसके लिहाज से मैं समझती हूँ अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, ऑटोमन एम्पायर के बारे में जानना चाहते हैं, तो अंदर आइए, वरना नहीं भी देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा।